पत्नी का जो एक धर्म है उसे पातिव्रत धर्म कहते हैं। यदि केवल अपने पति को भगवान मानकर और उनकी आराधना में, तो वो मोक्ष पदवी भी प्राप्त करती है और जो चाहे वो प्राप्त कर सकती है। पातिव्रत धर्म में बड़ी भारी सामर्थ्य है। सच्चाई की परीक्षा तो तभी होती है जब विपत्ति आती है। तुम धैर्यवान हो, तुम धर्म आत्मा हो, तुम हमारे मित्र हो या तुम हमारे अर्धांगिनी हो, इसका परिचय तो तभी मिलता है जब विपत्ति हो। अर्थात मित्र विपत्ति में हो तो उस समय उसे छोड़ना नहीं चाहिए, तुम विपत्ति में हो तो धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पति विपत्ति में है, बहुत संपत्ति अपहरण हो गई, ऐसे पति का किसी भी तरह से मन न दुखावे कि अब आपके पास तो कुछ रह नहीं गया, हमारी आप कामनाओं को पूर्ण नहीं करे। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखे चारी। जो ऐसी स्थिति में अपने पति का सहयोग करती है, वनवास हुआ, सियाजू ने ना तो जनकपुर का सुख स्वीकार किया नावतपुर का, कहा जहां प्रभु श्री राम के चरण वही मुझे करुण अयोध्या जैसा सुख मिलेगा। यदि कोई स्त्री अनुसुईया जी उपदेश करें सियाजू को, अपने पति का किसी कारणवश अपमान, धन नहीं है, उतना विद्वान नहीं, उतना ज्ञान नहीं, और तुम्हारे ही कर्मवश तुम्हारा पति बना है, उसका अपमान, पातिव्रत धर्म की यहां चर्चा करें, क्योंकि सबसे बड़ी पतिव्रताओं में शिरोमणि है श्री अनुसुईया जी, जिन्होंने भगवान हरि हर और ब्रह्मा को 6-6 महीने का बालक बना दिया अपने पातिव्रत धर्म से। वो कह रहे हैं कि पति का अपमान न करें, अपने भगवान के समान समझे। यहां पातिव्रत धर्म की चर्चा प्रपंच की नहीं, बात यहां बहुत अध्यात्म की चरम ऊंचाई की बात करें अनुसुईया जी, इसको लौकिक में घसीटोगे ना तो ये तर्क वितर्क के शब्द। अगर हमारा इष्ट धर्म जोर का है ना, तो सामने कुछ हो ही नहीं सकता। इसका प्रमाण हम तुम्हें देते हैं, जालंधर राक्षस और बृंदा सती, परम पवित्र चिदानंद भगवान को पति वरण करने के लिए तपस्या कर रही, देवर्षि नारद जी आए, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तो बृंदा ने कहा हमारा उद्देश्य है भगवान श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करना। तो उनका पहले तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी, तुम एक निष्ठ हो कि नहीं, तो आज्ञा कीजिए। उनका जालंधर को पति रूप में स्वीकार करके और पातिव्रत धर्म को आप प्रमाणित कीजिए, नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। कोई भी बड़े से बड़ा देवता जालंधर का बाल बांका भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सती अपने सतीत्व में, सब देवताओं ने विनय की कि वैसे आराधना तो आप ही को पति रूप में प्राप्त करने की थी, नाथ आप स्वीकार कीजिए, नहीं तो जालंधर का आतंक, राक्षस और पतिव्रता बृंदा, वही तुलसी जी के रूप में और शालिग्राम के रूप में श्री हरि, आज भी उनका ब्याह किया जाता है, पूजन किया जाता है, तुलसी जी चढ़ाई जाती। जब हम किसी को इष्ट मान लेते हैं तो उसमें दोष दृष्टि नहीं होती, और जब हमें प्यार होता है ना तो उसका दोष भी गुण ही नजर आता है। और सच्ची बात है कि सबके हृदय में भगवान बैठे, यदि हमारी निष्ठा है तो तुम हिल नहीं सकते, हमारी निष्ठा के विपरीत नहीं चल सकते। जब भगवान नहीं चल पाते तो तुम तो इंसान हो। ये था माम प्रपद्यन्ते दास्ते, मेरे लाला बनकर घुटने के बल हमारे आंगन में चलो तो अनंत ब्रह्मांडों का पिता घुटनों के बल चल रहा नंद बाबा के आंगन में या महाराज दशरथ जी के आंगन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में विचरने वाले कैसी लीला, अनंत ब्रह्मांडों का पिता बालक बन करके, जब वो बन सकता है तो तुम्हारे निष्ठा और पातिव्रत धर्म में वैसे ही चलेगा जैसे तुम विचार करोगे, क्योंकि तुम्हारा पातिव्रत धर्म पवित्र। हमारा क्या होता है कि हम दूसरों के तो दोष फटाक से बोल देंगे, बैक में आप दृष्टि घुमाओ अपने ऊपर, तब लगेगा वो तो कम है। अगर हमारी बात खुल जाए बहुत ही हम गलत हैं। संत सदैव सत्य स्वभाव वाले साधक उपासक बाहर नहीं देखते, अपने अंदर देखते हैं।
अपने दोषों को मिटा दो तो बाहर केवल भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। श्री अनुसुईया जी बड़ा सुंदर गृहस्थी में स्त्री शरीर पुरुष शरीर धारण की, इनको भगवत प्राप्ति का सहज उपाय बताया और यह ऐसी सामर्थ्य, इसीलिए स्त्री के लिए एक सुदृढ़ भगवत प्राप्ति का मार्ग है जो घर परिवार में रह रही अपने पति में भगवान की भावना करना, मेरे पति ही मेरे भगवान हैं, ऐसी भावना से आठों पहर उनकी आज्ञा में रहना। जैसे कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर पति ही दुराचारी हो तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि आप अपने भाव रखिए और फिर विधान जैसा होगा अपने आप दूरी बना दे, क्योंकि आप और आपके पति के बीच में भगवान का भाव है ना, वो संभाल लेंगे, वो आपको बचा लेंगे, वो आपको दूर कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग मायाकृत रूप है और आंतरिक भाव में जाएंगे जब विचार पे तो आपके ही कर्म का फल भुगताने के लिए ऐसा स्वभाव वाला पति दिया गया है, ऐसी भावना तो हमारे ही कर्म निश्चित अपने कर्म के प्रभाव से ही पति का वरण होता है। जैसे हमारे कर्म गायत्री के अनुष्ठान के द्वारा गायत्री जी को प्रसन्न करके जो कन्या प्रकट की थी उनका नाम सावित्री जी हुआ था, बहुत ही तेजस्विनी राजकुमारी थी। जब वर वरण की बात आई तो उनके पिता ने आदेश किया कि तुम स्वयं घूमो मृत्युलोक में और जो तुम्हें वर पसंद आएगा उसके साथ ब्याह कर दे, इतना प्यार करते थे। और वो गायत्री जी की कृपा से प्रकट हुई थी इसलिए उनका नाम सावित्री, बड़ी तेजोमयी कांति, अद्भुत ज्ञान, मंत्री और विशाल सेना साथ, राजकुमारी वर वरण के लिए स्वयं तुम देखो। बहुत राजकुमारों को देखा, मन में ही नहीं आया, जंगल से गुजर रही थी, देखा एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, दृष्टि गई देखते ही लगाए मेरे प्राणपति, रुक गए। मंत्री से कहा आदर्श है इनको नीचे उतारो, वो तो क्या अपराध बन गया, सैनिक घेरे हुए हैं, राजमंत्री हाथ जोड़कर राजकुमारी ने कहा मैं आपको पति रूप में वरण करते हूं, आप नेत्र हैं आपके, आप देख पा रहे हैं मैं कौन हूं, लकड़ी काट के बेचता हूं और अपने माता पिता की सेवा करता हूं, मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं, खाने का, वो आपका राजवैभव का, प्रभु मैं राजवैभव को पति नहीं बना रही हूं, आपको पति रूप से वरण, मेरा मन मान गया है, मेरा मन राजी हो गया है आपको देख के, आपके सौंदर्य को, आपके गुण को, आपके घर को, आपके वैभव को देखकर मैं पति नहीं बना रही, मेरा मन मान गया है। आपके माता पिता कहाँ है, बोले जंगल में एक झोपड़ी में विराजमान है। ठीक, मंत्री से कहा ये स्वीकृत है, पूरी जानकारी ली, वापस लो। जब वापस गए तो वहां बैठे हुए थे देवर्षि नारद जी, आओ बेटी। राजा ने कहा वर वरण किया, हां मंत्री ने पूरी बात बताई, देवर्षि नारद जी ने कहा नहीं 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 गलत हो गया, तो बोले आप यही देख के तो कह रहे होंगे ना कि घर नहीं है, संपत्ति नहीं है, तुम राजकुमारी हो कैसे निर्वाह होगा, ये सब मैं जान रही हूं, नहीं है उनके पास। बोले नहीं एक बात और है, वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे, एक वर्ष में उनकी मृत्यु का योग है, वो मर जाएंगे, बहुत है, ये देखो निष्ठा देखो, बहुत है एक वर्ष, अगर मैं एक दिन भी उनके नाम का सुहाग भरने को पा गई तो आज जीवन निर्वाह कर जाऊंगी उनके लिए। कैसा हमारा देश यति और सतियों का देश है, जैसे एक सन्यासी सर्वत्यागी ऐसे साफ सुख की भावना केवल अपने पति में निहित करके भगवान को रिझा लिया, ये वो पातिव्रत धर्म है। अब सब भगत ही थोड़ी होते हैं, सब धर्म से ही थोड़ी चलते हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न, उन्होंने कहा
एक बार जिसका वरण कर लिया बस, जैसे मां भगवती पार्वती जी ने सप्त ऋषियों को जवाब दिया था, कोटि जन्म लग रगर हमारी बरौ संभु न तरहौ कुमारी। तुम एक बार की बात कहते हो, करोड़ों बार जन्म लूंगी और तपस्या करूंगी, वर के रूप में वरण करूंगी तो महादेव को ही वरण करूंगी। माना महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खार, जेही कर मन जेही सम रमे तेते ही संत। मान गए आपकी बात पर, मेरा मन रम गया है शिव में, करोड़ बार जन्म लूंगी लेकिन महादेव को ही वरण करूं। ये सावित्री जी का ब्याह हुआ, पिता ने अपार वैभव, वही अकेले थे, बिल्कुल एक भी सुख नहीं लिया, नहीं मेरे पतिदेव के ही सुख में सुखी रहूंगी, आपका कुछ भी दहेज कोई भी एक वस्तु स्वीकार नहीं करूंगी। बहुत सत्यवान जी प्रसन्न हुए, उनका नाम सत्यवान, और कहा प्रिय पता नहीं किस पुण्य और सौभाग्य से तुम्हारी जैसी हमें पत्नी मिली। वैसे मैं भी एक राजकुमार हूं, मेरे राज्य का अपहरण कर लिया गया बैरी राजाओं ने, मेरे माता पिता वयोवृद्ध थे, उनको लेकर मैं जंगल भाग आया हूं और वास कर रहा हूं, पर मैं तुम्हें कैसे, उनको ये पता नहीं कि मैं एक वर्ष की आयु, लेकिन सावित्री जी को पता है, मैं तुम्हें कैसे सुख प्रदान कर सकता। बोले भगवान बस आपकी चरण सेवा करके, आपको सुखी देखकर मैं परम सुखी रहूंगी। सुबह वो लकड़ी काटने के लिए चले, वो साथ चले, उनका नहीं, हमारे माता पिता की सेवा में जो आज्ञा। और वो जिस दिन से विवाह हुआ था उस दिन से तिथि गिनना प्रारंभ कर दिया, धीरे धीरे जब कुछ महीने व्यतीत हुए उन्होंने अन्न छोड़ दिया। सत्यवान ने पूछा क्यों, बोले हमारे कुछ मन में ऐसी कामना है कि मैं नियम पूर्वक रहूं, कुछ समय व्यतीत हुआ जल छोड़ दिया, वायु पी करके केवल मंत्र जाप करते हुए कि पति का शरीर छूटा मैं अपना शरीर रखूंगी नहीं छोड़ दूंगी। और जब वो तिथि आई उनका, आज भगवान मेरी इच्छा है कि आपके साथ मैं वन में चलूं, नहीं माता आज तक आज्ञा मांगी केवल एक दिन, आज केवल, फिर जैसी आपकी आज्ञा होगी, पर आज आपकी आज्ञा उल्लंघन करूंगी और आपके साथ चलूं। उनको पता था आज आखिरी दिन है, सत्यवान को पता नहीं। गए, चलो तुमने पहली इच्छा प्रकट की है, अभी तक कोई इच्छा ही नहीं प्रकट की थी, और वो भी इच्छा अपने पति के अंतिम दर्शन और वही प्राण त्यागना, निश्चय इनका यही था। लकड़ी काटने लगे, बोले सावित्री ऐसा लग रहा है मेरा सर फट रहा है। बोले भगवान नीचे आ जाए, समझ गए, आप लेटिए। सर को अपनी गोद पे रखा, मंत्र चल रहा है शांत, देखती कौन आता है और मेरे पति का स्पर्श करता है। ब्रह्मचारिणी पातिव्रत धर्म से युक्त गायत्री के अनुष्ठान से प्रकट हुई और मंत्र चल रहा है। यमदूतों की तो सामर्थ्य नहीं, साक्षात धर्मराज आए, यमराज रूप में नहीं धर्मराज के रूप में, उनके दो रूप है, पापियों के लिए ही भयानक यम रूप, जो यमदूत पहुंचते हैं महान दंड देते हैं, लेकिन जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं जिससे पाप और धर्म दोनों, फिर वो उनके लिए थोड़ी सुविधा होती, और जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वहां साक्षात धर्मराज पहुंचते हैं, लेकिन जहां भक्त होते हैं वहां भगवत पार्षद पहुंचते हैं, ऐसे नहीं। और यहां तो भगवत पार्षदों का भी प्रवेश नहीं, श्री जी की सखियां जो अत्यंत करुणा में देखा सामने धर्मराज, मंत्र का प्रभाव मूर्तिमान धर्मराज सा, उनका बेटी तुम्हें धैर्य धारण करना होगा, वो मूर्छित हो गए सत्यवान, उनके आते ही प्रक्रिया है प्राण घसीटने की, मूर्छा गए तो उनका भगवान ये मेरे पति है, आप प्राण ले लो और देह की रक्षा करो, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमारे प्राण है। उनका समय तो पूरा हो गया, मैं तुम्हारे पति को सूक्ष्म शरीर में यातना देह में लेकर अब जा रहा हूं,
बोले आप अपना काम कीजिए और मैं अपने धर्म का निर्वाह करूंगा। खींचा सूक्ष्म प्राणों को बंधन से, बांधा यम पास से, चल पड़े। सावित्री जी मंत्र बल से पीछे चल पड़े। कंकन किंकिनी की झनकार तो पीछे मुड़ के उनका बेटी, असंभव है, मृत्यु होने के बाद जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, वो किसी का साथ निर्वाह नहीं कर सकता, तुम वापस चली जाओ। उनका आप अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अपने कर्तव्य का पालन करें। आगे बढ़े पीछे का, तुम्हारे पति प्रेम को देख करके तुम्हारे हृदय में उत्साह हो रहा है, तुम वरदान मांगो। केवल सत्यवान के प्राणों को छोड़कर, इस जीवात्मा को छोड़कर तुम कोई भी वरदान मांगो। उनका सुना है, हमारे सास ससुर राजा थे, उनका राज्य वैभव उनको पुनः प्राप्त हो जाए, उनके नेत्रों की ज्योति प्रकट हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। तथास्तु। फिर चले, फिर देखो एक और वरदान मांगो और आप वापस चले। तो हमारे माता पिता के पास केवल हम ही संतान थी, पुत्र नहीं था, एक पुत्र प्रदान कर दीजिए, अर्थात भाई। वह तथास्तु। फिर भी देखो बेटे, हम तुम्हें बार बार कह रहे हैं, यहां से आगे की यात्रा सूक्ष्म देह से होती है, स्थूल शरीर से नहीं। तुम अपने पातिव्रत धर्म से युक्त हो, इसलिए मुझे देख पा रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो, पर अब उचित नहीं है। एक और वरदान मांग लो, तो अब मुझे भी एक पुत्र चाहिए। उनका तथास्तु। बोले रुक जाओ, मैं एक पतिव्रता हूं और